राजस्थान में 33 जिलों में कोरोना ने पैर पसार लिए हैं और राजस्थान में आज 131 कोरोना पॉजिटिव सामने आए। राजस्थान में कोरोना संक्रमितों की संख्या 8000 के करीब और झालावाड़ में 69, पाली में 13, भरतपुर में 12, कोटा में 8 कोरोना पॉजिटिव मिले, जयपुर में 7, चूरू में 5, नागौर में भी 5, दौसा में 4 कोरोना पॉजिटिव मिले। साथ ही आपको ये बता दें कि अजमेर में 1 और झुंझुनू में 7 नए कोरोना पॉजिटिव मिले। राजस्थान में कोरोना पॉजिटिव की संख्या इसी के साथ 7947। राजस्थान में आज 6 कोरोना पॉजिटिव ने अपनी जान भी गंवाई। अजमेर, बांसवाड़ा, दौसा, करौली, नागौर में 1-1 कोरोना पॉजिटिव की मौत, बाहरी राज्य के 1 कोरोना पॉजिटिव की मौत। राजस्थान में कोरोना से मरने वालों का जो आंकड़ा है वो 179 हो गया है। 33 जिलों में कोरोना ने अपने पैर पसार लिए हैं, लगातार जो आंकड़े हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। आज 131 कोरोना पॉजिटिव सामने आए। फिलहाल न्यूज रूम से हमारे सहयोगी लोकेश ओला साथ जुड़ चुके हैं। लोकेश, देखिए लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, 33 जिलों में कोरोना वायरस ने अपने पैर पसार लिए हैं, क्या अपडेट, कहां कहां क्या क्या कितने कितने एक्टिव केसेस फिलहाल हैं और किस प्रकार से जो स्थिति है उसको काबू में लेने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं? जी बिल्कुल मनीषा, प्रदेश के सभी 33 जिलों में कोरोना पॉजिटिव अब तक सामने आ चुके हैं। जिस तरह से लगातार कोरोना पॉजिटिव सामने आ रहे थे उनमें कल बूंदी में भी प्रवासी कोरोना पॉजिटिव सामने आया है। इसी तरह बात करें तो प्रदेश के सभी जिलों में अब तक कोरोना पॉजिटिव सामने आ चुके हैं। साथ साथ बात करें तो आज 131 कोरोना पॉजिटिव सामने आए हैं और अब राजस्थान में कोरोना पॉजिटिव की संख्या 7947 हो चुकी है। हालांकि एक्टिव केसेज की बात करें तो एक्टिव केसेज 3202 प्रदेश में अभी एक्टिव केस है। और इसी के साथ साथ बात करें तो प्रदेश में आज 6 कोरोना पॉजिटिव की मौत हुई। मौत के साथ ही अब प्रदेश में जो मौतों का आंकड़ा है वो 179 हो चुका है। लगातार प्रदेश में जहां कोरोना पॉजिटिव की सामने आए थे उसमें सबसे अधिक जयपुर में अब तक कोरोना पॉजिटिव सामने आए हैं। जयपुर में हालांकि आज 7 कोरोना पॉजिटिव सामने आए हैं और जयपुर में कोरोना पॉजिटिव की संख्या भी 1909 हो चुकी है। हालांकि जो जयपुर में जो कोरोना की जो एक्टिव केसेज है उनकी बात करें तो 448 जो कोरोना के अभी एक्टिव केसेज सामने हैं। लगातार जिस तरह से प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव आ रहे थे उनमें आज 10 जिलों में अब तक कोरोना पॉजिटिव सामने आ चुके हैं, जिसमें झालावाड़ में जो 69 कोरोना पॉजिटिव सामने आए हैं। लगातार झालावाड़ में 2 दिन से बड़ा विस्फोट जो कोरोना का है वो देखा गया है और जो 2 दिन मिलाकर बात करें तो झालावाड़ में 204 अब तक कोरोना पॉजिटिव सामने आ चुके हैं। हालांकि जिस तरह से बात करें तो पाली में भी आज 13 कोरोना पॉजिटिव सामने आए हैं और 394 अब तक कोरोना पॉजिटिव सामने आ चुके हैं। जोधपुर में लगातार जो कोरोना पॉजिटिव सामने आ रहे थे उसमें ठीक होने वालों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है और जोधपुर में एक्टिव केसेस की बात करें तो जोधपुर में 272 अब तक जो एक्टिव केसेस है अभी मौजूद है और वो जोधपुर के अस्पतालों में बढ़ती है। ऐसे में बात करें तो प्रदेश के एक्टिव केसेस की तो जयपुर में जो सबसे अधिक एक्टिव केसेज हैं जो 448 है, उसके बाद में उदयपुर में 367 एक्टिव केस है, पाली में 291 जो पॉजिटिव एक्टिव केस है वो है, डूंगरपुर में 323 अभी एक्टिव केस है। लगातार जिस तरह से डूंगरपुर में कोरोना पॉजिटिव सामने आ रहे थे उसमें एक्टिव केसेस की संख्या भी दूसरे नंबर पर डूंगरपुर में है। हालांकि जिस तरह से प्रवासियों की बात करें तो प्रवासी सबसे अधिक कोरोना पॉजिटिव सामने आ रहे हैं और प्रदेश में अब तक 2149 प्रवासी वो कोरोना पॉजिटिव सामने आ चुके हैं, जिसमें सबसे अधिक संख्या नागौर की है। नागौर में 294 अब तक जो प्रवासी है वो कोरोना संक्रमित मिल चुके हैं। इसी तरह डूंगरपुर में 293 प्रवासी वो कोरोना पॉजिटिव मिल चुके हैं, पाली में 262 हो चुके हैं, जालौर में 142, सीकर में 136 और जोधपुर में जो 125 कोरोना जो प्रवासी है वो सामने आ चुके हैं। हालांकि जयपुर में 38 जो प्रवासी है वही कोरोना पॉजिटिव सामने आए हैं। साथ साथ अब जयपुर की बात करें तो जयपुर में जहां कोरोना के जो एक्टिव केसेज सबसे अधिक है, सबसे अधिक कोरोना संक्रमित है यहां पर सामने आ चुके हैं, लेकिन अब जो कोरोना विस्फोटक क्षेत्र रामगंज था वहां पर गिने चुने जो केस है वो सामने आ रहे हैं। जयपुर में जिस तरह से माइक्रो लेवल पर जो काम हुआ उसको केंद्र की ओर से भी सराहना की गई है कि जिस तरह से जयपुर में प्रशासन की ओर से चिकित्सा विभाग ने एक पूरे रामगंज और चारदीवारी क्षेत्र को सील करके वहां पर डोर टू डोर सैंपलिंग की, रैंडम सैंपलिंग किया गया, माइक्रो लेवल पर जिस तरह से काम किया गया वहां पर कोरोना को कंट्रोल करने की जो तमाम जो कोशिश थी वो की गई, उसी का आज जो परिणाम वो सामने आ रहे हैं कि जयपुर के चारदीवारी क्षेत्र में गिने चुने कोरोना के पॉजिटिव केसेज वो सामने आ रहे हैं। उसके केंद्र की ओर से सराहना की गई क्योंकि जिस तरह से भीलवाड़ा मॉडल राजस्थान की ओर से दिया गया उसी तरह जयपुर मॉडल भी एक अब फिर से सराहा जा रहा है। हालांकि जयपुर में जो कोरोना पॉजिटिव केसेस सामने आ रहे हैं उसमें
जो कोरोना वॉरियर्स है वो आ रहे हैं, साथ साथ जो प्रवासी है वो कोरोना के पॉजिटिव केसेस में। लोकेश एक और अहम सवाल ये कि देखिए जिस प्रकार से गर्मी भी बढ़ती जा रही है और कयास ये लगाए जा रहे हैं कि कोरोना संक्रमण जो है वो थोड़ा कम होगा, थोड़ी राहत उससे मिलेगी, तो यहाँ पे एक जो अहम सवाल है वो ये उठता है कि किस प्रकार से कौन कौन से एज ग्रुप के जो कोरोना पॉजिटिव है वो सामने आ रहे हैं, ज्यादा इसमें बुजुर्ग शामिल है, बच्चे या फिर युवा? देखिए मनीषा, इसको लेकर जो बात करें तापमान और कोरोना के असर की, तो WHO ने पहले ही क्लियर कर दिया गया था कि इसका कोई संबंध नहीं है। तापमान बढ़ने के साथ साथ केसेस कम हो ऐसी कोई अभी तक शोध में सामने नहीं आया, लेकिन जिस तरह से कोरोना एक कॉन्टेक्ट के आधार पर बढ़ता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रमित होता है या संक्रमित व्यक्ति छूटता है तो आँख नाक और मुँह के जरिए ये शरीर के अंदर प्रवेश करता है, ऐसे ही जिस तरह से तापमान बढ़ता जा रहा है ऐसे में उसका कोई असर नजर नहीं आ रहा। लेकिन जिस तरह से लॉकडाउन लागू रहा, लॉकडाउन के दौरान लोगों के एक दूसरे संपर्क कम हुए, जागरूकता आई और उसी का परिणाम यह है कि कोरोना की जो एक्टिव केसेस है वो कम, जो पॉजिटिव केसेस है वो कम आ रहे हैं। हालांकि जिस तरह से प्रवासी प्रदेश में अधिक आ रहे हैं तो उन्हीं के जो पॉजिटिव केसेज है वो सामने बढ़कर आ रहे हैं। जिस तरह से राजस्थान में जो सेल्फ क्वारंटाइन या फिर अपने आप को बचाव की जो कोशिशें की गई थी सरकार की, जो जागरूकता जो अभियान चलाए गए थे उनका परिणाम अमेरिका तक में भी देखा गया है। जिस तरह से बात करें तो अमेरिका के ह्यूटन शहर में, जहां जयपुर के एक डॉक्टर वहां कार्यरत है, और ह्यूटन की बात करें तो वहां पर तकरीबन 5 लाख भारतीय वहां रोजगार ले रहे हैं। ऐसे में उन भारतीयों को जागरूक करने का उन्होंने काम किया वहां पर, और वहां परिणाम ये रहा कि जो सेल्फ जो क्वारंटाइन की जो कोशिशें की गई थी वहां पर वो लोगों ने मानी, और वहां पर जो बहुत ही तेजी से पॉजिटिव केसेस कम होने की जो दर है वो लगातार बढ़कर नजर आई। ऐसे में कहा जा सकता है कि राजस्थान सरकार की ओर से जो जागरूकता अभियान किया गया चलाया गया या फिर जिस तरह से सेल्फ क्वारंटाइन या जो और रैंडम सैंपलिंग सहित जो तमाम कोशिशें की गई थी कोरोना संक्रमण रोकने की वो काफी कारगर नजर आ रही है। बिल्कुल लोकेश, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, तमाम अपडेट आपने हमें दी। और अब आपको हम पाली से जानकारी देंगे, पाली में क्या इंतजाम किए गए हैं, क्या हालात वहां के हैं, लगातार हर जिले से अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं, हर जिले से हमारे संवाददाता को जोड़ रहे हैं। फिलहाल पाली से मनीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, क्या इंतजाम वहां पर, किस प्रकार से जैसे कोरोना के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं किस प्रकार से काबू करने का जो इंतजाम है वो किए जा रहे हैं? जी मनीषा, बता देना चाहूंगा कि अभी तक हाल ही में 9 बजे वाली रिपोर्ट के बाद कुल संक्रमितों की संख्या बढ़ गई है 394 जी, जिसमें से एक्टिव केसों की संख्या 291 है। इसको लेकर लगातार प्रशासन की ओर से अपने स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं कि लोगों में ज्यादा से ज्यादा इस बात को पहुंचाया जाए कि कोरोना वायरस बचावी उपचार है, ज्यादातर घरों में रहे। वैसे बता देना चाहूंगा मनीषा, लॉकडाउन 4 को लेकर कुछ आज जिले में छूट दी गई है। 13 इलाकों में संक्रमित मरीज के घर से 100 मीटर के दायरे में रहेगा कर्फ्यू, बाकी पूरा शहर खोल दिया गया है आज। उसको लेकर अभी प्रशासन ये चिंतित हो रहा है कि आज और कुछ पॉजिटिव ज्यादा ना बढ़ जाए। जी बिल्कुल मनीष, आपका तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। आपको बता दें कोरोना के जिस प्रकार से आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, हर जगह पर एहतियात बढ़ती जा रही है कि किस तरीके से जो स्थिति है, जो सिचुएशन है, उसको कंट्रोल में लिया जाए। आठ हजार के करीब कोरोना संक्रमितों की संख्या है वो पहुंच चुकी है। भरतपुर से राजेंद्र जति फिलहाल हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। राजेंद्र, भरतपुर में क्या अपडेट? जी मनीष, बताना चाहूंगा कि भरतपुर में 3 दिन से कोरोना के पॉजिटिव केसों की मिलने की संख्या लगातार जारी है। जी आज तो 12 केसेज मिले हैं। अल सुबह का जो बुलेटिन आया था उसमें 9 केसेज आए थे, और अब जो दोपहर को 11 बजे करीब सूचना मिली उसमें 3 केसेज और मिले हैं, तो ये 12 केसेज कुल मिलाकर के आज मिले हैं। जी। और भरतपुर जिले में इन केसेज की जो पॉजिटिव केसेज है उनकी संख्या 165 हो चुकी है, और 3 लगातार केसेज बढ़ रहे हैं। जो ये केसेज आए जनरली भरतपुर शहर से, इनमें 5 केसेज हैं, और बात का एक है, भुसावर क्षेत्र के बिठार का एक है, जन सबसे बात है बीच क्षेत्र में जनपर एक गाँव है, वहाँ एक साथ 3 केस आए हैं। पिता पति पत्नी और पुत्री के साथ आए लोग, बाहर से घूम के आए थे, गुड़गांव में नोएडा होके आए थे। और तीसरा भरतपुर शहर में जो केस मिले हैं वो भी एक दिल्ली का रहने वाला परिवार है, जो अपने ससुराल दमक कटरा में आया था, जो एक ही परिवार के वो 3 सदस्य आज इसमें पॉजिटिव मिले हैं। पति
पति पत्नी और भतीजा मिलाकर के तीन केसेज हैं जी। सुभाष नगर का रहने वाला केसेज है, तो इसमें कुल मिलाकर एक तो आज कल केस की संख्या बढ़ी हुए। बिल्कुल राजेंद्र, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। आपको बता दें लगातार आंकड़े जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और तमाम एहतियात भी बढ़ती जा रही है। तमाम रियायतें जिस जगह पर जिन जगहों पर दी गई हैं वहां पर एहतियातें और ज्यादा बढ़ती जा रही हैं। कोटा से राजेंद्र भारद्वाज हमारे संवाददाता फिलहाल फोन लाइन पर मौजूद हैं। राजेंद्र, कोटा में क्या नई अपडेट, क्या इंतजाम? राजेंद्र, कोटा में क्या अपडेट, क्या इंतजाम वहां पर किए जा रहे हैं? जिस प्रकार से देखिए आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, एहतियात बरतना बहुत जरूरी हो गया, वहां पर क्या इंतजाम? बिल्कुल मनीषा, कोटा की अगर बात करें तो कोटा में कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है जी। आज सुबह जिस तरह से 8 कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं, उस तरह से अगर कोटा में कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा की बात करें तो 422 कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आ चुके हैं। आज एक दुख की खबर ये भी आई है कि कोटा में एक रेजिडेंट डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। ये डॉक्टर जेकेलोन अस्पताल में तैनात था और लंबे समय से जेकेलोन अस्पताल में अपनी सेवाएं दे रहा था। जिस तरह से नए जो क्षेत्र अपडेट होते जा रहे हैं, कोटा के नए नए इलाकों में कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आते जा रहे हैं और राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने जिस तरह से लॉकडाउन 4 लागू किया है, 4 में लागू करने के बाद में जिस तरह से आवश्यक सेवाओं और कई रियायत में रियायत दी गई है, उस तरह से कहीं ना कहीं एहतियात बरतने की जरूरत है। जी मनीषा, बिल्कुल राजेंद्र, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। आपको बता दें कि हर जिले से लगातार अपडेट दे रहे हैं। राजस्थान के 33 जिलों से जो कोरोना पॉजिटिव है वो सामने आए हैं। लगातार ये जो आंकड़े हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, 8,000 के करीब आंकड़े हो चुके हैं। 179 लोग कोरोना की चपेट में आकर अभी तक अपनी जान भी गंवा चुके हैं। मृतकों का जो आंकड़ा है वो 179 हो चुका।
सुजानगढ़ से हमारे संवाददाता शैलेंद्र फिलहाल फोन लाइन पर मौजूद हैं। शैलेंद्र, क्या अपडेट सुजानगढ़ से? जी मनीषा, मैं बताना चाह रहा हूँ कि पिछले कई दिनों से सुजानगढ़ तहसील में जी जो प्रवासी जो आए हैं उनमें अधिकतर पेशेंट मिले हैं। सुजानगढ़ के निकटवर्ती गाँव मुंद्रा में एक परिवार के 5 सदस्य जो कि घर पे क्वारंटाइन थे उनमें से 4 की रिपोर्ट आई, वो पॉजिटिव थी। रात्रि को उनको चूरू के लिए टीम गई और वहां से क्वारंटाइन सेंटर चूरू के लिए रेफर किया। एक विदा सर जी मैं था जो कि उसको भी चूरू रेफर कर दिया गया। शैलेंद्र, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। देखिए, लगातार कोरोना का जो आंकड़ा है वो बढ़ता जा रहा है, ऐसे में अपडेट तो हम आपको लगातार दे ही रहे हैं, लेकिन इसके साथ में एहतियात बरतना भी हम सभी के लिए बहुत जरूरी है। झुंझुनू से हमारे संवाददाता सुजीत शर्मा फिलहाल फोन लाइन पर मौजूद हैं। सुजीत, कोरोना का आंकड़ा देखिए लगातार बढ़ता जा रहा है, क्या नए इंतजाम किए जा रहे हैं? जिस प्रकार से कोरोना के जो नए संक्रमित मरीज सामने आ रहे हैं उन्हें किस प्रकार से अस्पतालों में भर्ती किया जा रहा है, साथ ही उनके परिजनों के लिए क्या इंतजाम? जी मनीषा, बिल्कुल, बात करें झुंझुनू की तो कोरोना को लेकर झुंझुनू के अंदर जो आंकड़ा है वो काफी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आज सुबह भी करीब 7 मरीज है जो कोरोना के नए सामने आए। अब कुल मिलाकर आंकड़ा देखा जाए तो 100 से ऊपर जो आंकड़ा है कोरोना का पार हो चुका है। और उसके अंदर देखने वाली बात यह है कि जो कोरोना पॉजिटिव है उनको आइसोलेशन वार्ड में रखा जा रहा है, और साथ ही जो परिजन है उनको होम आइसोलेशन रखा जा रहा है, या फिर जो संभावित मरीज है उनको आइसोलेशन वार्ड में रखा जा रहा है, उनकी पूरी निगरानी रखी जा रही है। और प्रशासन का कहना है कि ऐसे जो भी जो प्रयास है वो प्रशासन पूरे कर रहे हैं। जी सुजीत, ये बताएं कि ये जो अभी कोरोना पॉजिटिव सामने आ रहे हैं झुंझुनू के ही रहने वाले हैं या फिर कहीं बाहर से ये लोग आए हैं? जी सुजीत, ये लोग कहीं बाहर से आए हैं या फिर झुंझुनू के ही निवासी हैं? चलिए, तकनीकी खामी की वजह से हमारा संपर्क फिलहाल टूट चुका है, लेकिन आपको बता दें जो कोरोना का आंकड़ा है, जो ग्राफ है, वो राजस्थान में लगातार बढ़ता जा रहा है। जहां कोरोना के मरीज पहले नहीं थे, अब वहां से भी कोरोना के जो मरीज हैं वो सामने आ रहे हैं। 179 लोग कोरोना की चपेट में आकर अभी तक अपनी जान गंवा चुके हैं। जयपुर में सबसे अधिक जो कोरोना के मामले हैं वो हैं